एमसीसी यानी कि मेरिल बोन क्रिकेट क्लब ने कैच आउट और मॉन्कलिंग से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इसके साथ ही लार के इस्तेमाल पर भी स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब किसी भी बल्लेबाज के कैच आउट होने पर नए बल्लेबाज को ही पहली गेंद खेलनी होगी। वहीं मॉन्कलिंग को अब रन आउट का हिस्सा बना दिया गया है और इस तरीके से आउट होने वाले बल्लेबाज को रन आउट माना जाएगा। इसे रन आउट का हिस्सा बनाने पर गेंदबाजों को इस तरीके से विकेट लेने में आसानी होगी। इसके साथ ही जो अन्य नियमों में बदलाव किए गए हैं उस पर आज विस्तार से बात करेंगे। कैच आउट का नया नियम। कैच आउट के इस नए नियम के तहत अब हमेशा नए बल्लेबाज को ही पहली गेंद खेलनी होगी। पुराने नियम के अनुसार जब कोई बल्लेबाज कैच आउट होता था और दोनों बल्लेबाज रन भागने की कोशिश में एक दूसरे को पार कर जाते थे, तब दूसरे छोर पर रहने वाला बल्लेबाज अगली गेंद फेस करता था और नया बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहता था। अब किसी भी बल्लेबाज के कैच आउट होने पर नए बल्लेबाज को ही पहली गेंद खेलनी होगी, भले ही दोनों बल्लेबाजों ने रन भागते हुए अपना छोर बदल दिया हो। अगर कोई बल्लेबाज ओवर की आखिरी गेंद पर ही कैच आउट होता है तो दूसरे छोर पर खड़ा बल्लेबाज अगले ओवर की पहली गेंद खेल सकेगा। मॉकलिंग का नया नियम। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर मॉकलिंग का नियम होता क्या है। इसके तहत जब नॉन स्ट्राइकर पर खड़ा बल्लेबाज गेंदबाज की गेंद फेंकने से पहले क्रीज से बाहर निकल जाता है तो गेंदबाज गिल्लियां बिखेर कर उसे आउट कर सकता है। इसे मॉकलिंग का नियम कहा जाता है। पहले मॉकलिंग के नियम को खेल भावना के विपरीत माना जाता था और इस तरीके से विकेट लेने वाले गेंदबाज की आलोचना होती थी, मगर अब इस नियम को रन आउट का हिस्सा बना दिया गया है। इसके बाद मॉकलिंग तरीके से आउट होने वाले बल्लेबाज को रन आउट माना जाएगा। आमतौर पर स्पिन गेंदबाज ही इस तरीके से किसी बल्लेबाज को रन आउट करते हैं। लार के इस्तेमाल पर बैन। अब तेज गेंदबाजों के लिए लार के इस्तेमाल पर भी बैन लगा दिया गया है। कोरोना काल में महामारी के संक्रमण की संभावना को कम करने के लिए लार के इस्तेमाल पर बैन लगाया गया था। इसके बाद यह महसूस किया गया कि लार का इस्तेमाल न करने पर गेंदबाजों की स्विंग में कोई असर नहीं पड़ा है। इसके बाद स्थायी तौर पर लार के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। पारंपरिक तौर पर माना जाता था कि लार के इस्तेमाल से तेज गेंदबाज को गेंद स्विंग कराने में मदद मिलती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।